और चंदनकियारी थाना क्षेत्र निवासी 11वीं कक्षा की एक छात्रा शनिवार को ट्यूशन जाने के दौरान वहां से गायब हो गई। अब 7 दिनों के बाद चंदनकियारी थाना पुलिस और दिल्ली पुलिस के सहयोग से छात्रा को बरामद किया गया है। परिजनों ने कहा है कि छात्रा की दोस्ती दिल्ली निवासी किसी अंकिता नामक युवती से फेसबुक के माध्यम से हुई थी, जो अक्सर ही छात्रा को कई तरह के प्रलोभन देकर उसे दिल्ली बुलाया कर रही थी और अंतिम में छात्रा ट्यूशन के बहाने बनाकर चंदन क्यारी आई और दिल्ली से अंकिता भी चंदन क्यारी आकर छात्रा को लेकर दिल्ली चली गई। जब शाम तक छात्रा अपने घर नहीं आई तो दूसरे दिन छात्रा के पिता ने चंदन क्यारी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद बोकारो SP ने एक टीम का गठन किया और फिर कार्रवाई की। चंदन क्यारी थाना क्षेत्र का मामला एक पुलिस के बोकारो पुलिस के संज्ञान में आया था विगत 2 दिन पहले, जिसमें कि लड़की जिसका की उम्र तकरीबन 70 साल और IIC की पढ़ने वाली छात्रा थी और जो कि अपने फेसबुक फ्रेंड अंकिता वर्मा जो कि दिल्ली की थी उनके साथ उनकी लगातार बात हो रही थी और उनके परिजनों ने बताया कि वो लड़की जो है गुम हो गई है। उसके बाद जो है बोकारो पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए छानबीन करना प्रारंभ किया और अब तक अनुसंधान में ये बात उभर करके सामने आया है कि इस लड़की गुम हुए लड़की का अंकिता वर्मा के साथ अंकिता गुप्ता के साथ लगातार बात हो रहा था और अंकिता गुप्ता जो है वो इस लड़की से मिलने के लिए चंदन क्यारी आई और उसके बाद दोनों जो है एक साथ चंदन क्यारी से कहीं के लिए प्रस्थान की है और उसके बाद उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है। तो आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग जो है इसमें टीम बना करके जो अपहृता है या जो गुम लड़की है उसके बरामदगी के लिए हम लोग